तो हम लोगों ने देखा है कि जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट बहना शुरू हो जाता है, एंड ये जो रिलेशन है वो बनता है V इक्वल टू आई आर से, वेर I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस, और इसी को बोला जाता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। लेकिन इसी ओम्स लॉ को दिखाने का एक दूसरा तरीका भी है, सो न्यू वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ओम्स लॉ। तो ज़रा देखिए, ये मेरे पास एक वायर है, ये मेरे पास एक वायर है, ओके, और इस वायर का लेंथ है L, द लेंथ ऑफ द वायर इज L, द लेंथ ऑफ द वायर इज L, ऑलराइट। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि जब आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या डेवलप करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है। आपने क्या किया, इसको कर दिया बैटरी से कनेक्टेड, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा अक्रॉस, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा ई के बराबर, एंड वॉट विल बी द ई, ई विल बी इक्वल टू वी बाई एल, है ना। जानते हैं हम लोग इसको कि जो E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L, V डिवाइडेड बाय L, राइट, और V इज द वोल्टेज। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे ले सकता हूँ, V इक्वल टू ई एल, V इक्वल टू ई एल, दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन, दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन, राइट। दूसरी चीज, आपने करंट डेंसिटी पढ़ा था, करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी को कैसे डिनोट करते थे हम लोग, J से। तो करंट डेंसिटी क्या होता था, I डिवाइडेड बाय A, है ना, करंट डेंसिटी क्या होता था, आई डिवाइडेड बाई ए, करंट फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, तो जे इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए। इसका मतलब आई इक्वल टू जे इंटू ए हो जाता, आई इक्वल टू जे इंटू ए, दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू, दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू। एंड एक और है तीसरी वाली, कि रजिस्टेंस जो होता है वो रो एल बाई ए के बराबर होता है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर थ्री, और ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं, वी इक्वल टू ई एल, ये हम लोगों ने देखा है, दूसरा आई इक्वल टू जे इंटू ए, ये भी हमने देखा है, एंड आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये तीसरा एक्सप्रेशन भी हम लोगों ने देखा है। तो अब देखो, हमारे पास जो ओम्स लॉ था, क्या था ओम्स लॉ, ओम्स लॉ था V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके तीनों को चेंज कर देंगे, V को भी, I को भी और R को भी, तो चेंज कर दें। तो देखो, V की जगह पर हो जाएगा V इक्वल टू ई एल, V इक्वल टू ई एल इक्वल टू I, I की जगह पर क्या हो जाएगा, J इंटू ए, R की जगह पर क्या हो जाएगा, रो L बाई ए। अब जो जो चीजें हैं उनको हम लोग आपस में कट कर देंगे, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, यहाँ L से L कैंसिल हो गया, तो बच के क्या आया, बच के आया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू करंट डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टिविटी। तो ये जो है ना, ये भी ओम्स लॉ ही है, ये जो हमने देखा, दिस इज ऑल्सो ओम्स लॉ, ये भी ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ दो टाइप से आप डिस्क्राइब कर सकते हो, एक V इक्वल टू आई आर, एंड दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय रो, रो रो क्या है, रेजिस्टिविटी। तो इस वे में भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। कई बार क्या होता है, एमसीक्यू में एमसीक्यू बनाए हुए आते हैं, आपको बोलेगा कि ये जो ओम्स लॉ है इसका दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, इसको दिखाने का दूसरा मेथोडोलॉजी क्या है, तो उसमें से चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा, तो E इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू रेजिस्टिविटी। सो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, राइट। अगला है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये जो ओम्स लॉ है ना, V इक्वल टू आई आर, ये एक्चुअली आया कहां से, How this came from? तो अगला लिखते हैं, derivation of Ohm's law. Next is derivation of Ohm's law. Derivation of Ohm's law. तो हम ये जो Ohm's law पढ़ते हैं, V equal to IR, ये actually आया कहां से? ये actually आया कहां से? तो देखिए, एक्सपेरिमेंटली तो चलो हुआ ही होगा, लेकिन थियोरेटिकली भी तो इसका कुछ ना कुछ एक रहा होगा, जहां से हम बोल सकते हैं कि ओके, ये यहां से आया। तो क्या है वो केस, जरा समझिए। मैंने लिया एक मेटल का पीस, ये देख लीजिए, या कंडक्टर मैंने लिया, इस कंडक्टर को मैंने ज्वाइन कर दिया एक बैटरी के साथ, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया एक बैटरी के साथ। अब क्या होता है, बैटरी क्रिएट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मतलब बैटरी एक्चुअली क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ये जो मेटल है इसका लेंथ, लेट से एल है, इसका जो लेंथ है मान लेते हैं ये एल है, और इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा ये किसके बराबर होगा, ई इक्वल टू वी बाई एल के, ई इक्वल टू वी बाई एल, ये हम लोग जान रहे हैं, ओके। तो अब यहां पर अगर आप नोटिस करें इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर वो कैसा है, तो मान लेते हैं कि यहां पर ना, ये देखिए, ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन है जो यहां पर अभी जस्ट टकराया। सी, जब तक तो बैटरी कनेक्टेड नहीं है तब तक इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, अब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर रहे हैं, और ये जो मूव कर रहे हैं जिस वेलोसिटी के साथ, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये कितनी बनेगी,
ड्यूट वेलोसिटी जो है वो कितनी बनेगी। अब यार वो तो डिपेंड कर रही है ना, वो तो डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन कितनी देर में टकराता है, कितनी देर में, या बोल सकते हो कि कितना फ्रिक्वेंटली टकराता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो था पहले यहाँ पे टकराया, जब यहाँ पे टकराया तो उसका यू जीरो हो गया। अब यहाँ से टकराने के बाद वो यहाँ से निकला और फिर सीधा जा रहा था, फिर ठक यहाँ पे टकरा गया, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर सीधा ऐसे जाएगा। तो रास्ते में आने वाले, देखो यहाँ से निकला, यहाँ पर आया, टकरा गया, फिर टकराने के बाद यहाँ से निकला चुपके से, फिर यहाँ गया टकरा गया, फिर यहाँ गया टकरा गया, तो इस वे में वो जा रहा है टकरा रहा है, जा रहा है टकरा रहा है, जा रहा है टकरा रहा है। तो वो जो फाइनल वेलोसिटी अटेंड करेगा वो किसके बराबर होगी? तो आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन में कि v इक्वल टू यू प्लस at होता है। तो जिस वक्त वो टकराया था उस वक्त उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी क्या वो जीरो थी? टकराने टकराते वक्त जीरो प्लस। अच्छा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v, v इक्वल टू जीरो प्लस, एक्सेलरेशन कितना है उसका a। अच्छा भाई एक्सेलरेशन होगा क्या? क्या एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन का? डेफिनेटली। क्यों होगा? क्योंकि जैसे आपने बैटरी लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, जैसे बैटरी लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होते ही क्या एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स पड़ता है? यस। कितना फोर्स पड़ता है? पड़ा होगा F इक्वल टू QE। इलेक्ट्रॉन खुद ही एक चार्ज पार्टिकल है और बैटरी आ गई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, तो कितना फोर्स पड़ेगा? F इक्वल टू QE के बराबर। कितना पड़ेगा? F इक्वल टू QE के बराबर, राइट। तो एक्सेलरेशन तो है, और टी जो है टी इज द टाउ, टी को मैंने चेंज करके टाउ लिख दिया। व्हाई? क्योंकि देखो यहां पर बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसी भी मेटल के अंदर बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई जल्दी टकरा गया कोई लेट में टकरा रहा है, तो हमको यहां पर जो टाइम देखना होगा ना ये एवरेज टाइम देखना होगा, दिस इज द एवरेज। अगर मैं इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन को देखूंगा तो ये हाँ भाई ये देर से टकराया, ओके कितने देर से टकराया लिख दिया वैल्यू, ये जल्दी टकरा गया लिख दिया वैल्यू, इंडिविजुअल कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व है वहां पर जो हम टाइम लेंगे टकराने का वो एक एवरेज टाइम लेंगे, इसलिए मैंने यहां पर टी को चेंज करके टाउ बना दिया, टी को चेंज करके मैंने टाउ बना दिया, ठीक है। ये जो है ना ये आधा चाव वाला साइन ये टाउ कहलाता है। सो वी इक्वल टू जीरो प्लस ए इंटू टाउ। अच्छा इस वीडियो को मैं क्या वी को क्या बना दूंगा? वीडी। वी को क्या बना दूंगा? मैं वीडी बना दूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इक्वल टू जीरो प्लस ए इंटू टाउ, 0 प्लस ए इंटू टाउ, करेक्ट। अच्छा एक और चीज जरा यहां पर समझिए, एक और चीज जरा समझिए कि अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा? तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वी डी इज इक्वल टू, अच्छा जीरो तो हटा दो, अल्फा क्या एफ बाई एम हो जाएगा? क्या ये एफ बाई एम हो जाएगा, है ना? व्हाट इज ए? ए क्या होता है? फोर्स। अच्छा ये लो, चलो साइड में मैं लिख देता हूँ, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ओके। अच्छा वन मोर थिंग, मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस और कर रहा हूँ कि ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स होता है, फोर्स किसके बराबर होता है? QE के बराबर। ये देखो साइड में लिखा है फोर्स QE, तो एक काम करता हूं मैं फोर्स को मैं QE बना देता हूं, टाओ का टाओ हो गया डिवाइडेड बाय m हो गया, ओके। एक और चीज यहां पर Q के नाम पे कौन है? इलेक्ट्रॉन है, इसलिए Q हटा दिया और उसकी जगह पर मैंने E डाल दिया। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड V बाय l के बराबर होता है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड V बाय l के बराबर होता है? यस। टाओ का यहां पर टाओ हो गया और m का यहां पर m हो गया। सो E V टाओ डिवाइडेड बाय l इंटू एम, ये बन गया, दिस इज द वी डी। नाउ अब आप एक चीज याद करो, आपने एक्चुअली करंट का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? करंट इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था? आई इक्वल टू एन ए ई वी डी। अब हम क्या करेंगे, इस वी डी की वैल्यू को डाल देंगे इस वी डी में, यहां पर डाल देंगे, तो क्या बन के आएगा? व्हाट दिस विल बिकम? सो दिस विल बिकम एस आई इक्वल्स टू, जरा नोट करना, आई इक्वल टू एन ए ई वी डी की जगह पर आएगा ई वी टाओ डिवाइडेड बाय एल एम, ई वी टाओ डिवाइडेड बाय एल एम। क्या यहाँ पर कुछ कट सकता है? क्या यहाँ पर कुछ कट सकता है? ऐसा लग तो नहीं रहा है कुछ कट सकता है, तो एक काम करते हैं थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, आई इक्वल टू एन का एन हो गया है ना, ई का ई स्क्वायर हो जाएगा, टाओ का यहाँ पर टाओ हो गया, टाओ का यहाँ पर टाओ हो गया एन ई स्क्वायर टाओ, ओके। उसके बाद ये जो है वी, वी को इधर ही ले लेते हैं एंड ए को इधर, डिवाइडेड बाय यहां पर ये एम और ये हो गया एल, यहां पर ये हो गया एम और ये हो गया एल, तो ये एक्सप्रेशन यहां पर आया, दिस इज द एक्सप्रेशन। एक काम करता हूं ना मैं वी को थोड़ा सा बाहर ले लेता हूं,
तो एन ई स्क्वायर ये, फिर यहाँ पर ये ए हो गया, यहाँ पे एल हो गया और यहाँ पर आ गया वी, यहाँ पर आ गया वी। अब ज़रा इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, डोंट यू थिंक कि एन कॉन्स्टेंट है, ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, टाउ कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो क्वांटिटी है एल भी कॉन्स्टेंट है फॉर अ गिवन वायर, क्या ये चीज़ कॉन्स्टेंट है, क्या ये चीज़ कॉन्स्टेंट है ना, ये चीज़ कॉन्स्टेंट है। इसी को थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, वैसे अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब क्या, मॉडिफिकेशन मतलब कि v को एक तरफ रखता हूँ, बाकियों को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। दैट मीन्स दिस बिकम एस v इक्वल टू, दिस बिकम्स एट v इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए इंटू आई इंटू आई, करेक्ट। v इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, ये बन गया। हाँ तो देखो ये कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, ये यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, अगर आप इस कॉन्स्टेंट को हटा दो तो क्या यहाँ से आपको ये एक्सप्रेशन नहीं मिलता, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, क्या यहाँ से ये एक्सप्रेशन नहीं मिलता अगर आप इस कॉन्स्टेंट को हटा दो, इस कॉन्स्टेंट को हटा दो। नाउ अगर इस कॉन्स्टेंट को हटा देते हैं या फिर अगर आप इसको कंपेयर करते हैं v इक्वल टू आई आर के साथ, v इक्वल टू आई आर के साथ, देखो एक कंक्लूजन तो मिल गया यहां से कि ये बीच का पार्ट m कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, e स्क्वायर कांस्टेंट है, tau एंड a कांस्टेंट है, तो ये सारा का सारा कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या मिला, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, यही तो था ओम्स लॉ, यही तो था। तो बेसिकली ओम्स लॉ यहां पर खत्म हो जाता है, हमने डिराइव कर दिया ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या था, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो देखिए यहां पर आते आते हमको ये कंक्लूजन मिल गया कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, दैट्स ऑल। लेकिन हम थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं, हम और गहराई में जाएंगे और पता लगाएंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है, ये कहां से आया होगा। हम जो बोलते हैं ना रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, ये कहां से आया, वो भी तो पता लगाएंगे। तो चलिए थोड़ा और पता लगाते हैं। तो जब हमने इसको कंपेयर किया v इक्वल टू आर आई के साथ, तो हमको मालूम पड़ा कि जो r का वैल्यू है, कि जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, रेजिस्टेंस का वैल्यू इज एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, ये हमको मालूम पड़ा, एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, दिस इज द वैल्यू फॉर रेजिस्टेंस, ये हमको पता चला। अब यहां पर आप नोट कीजिए जरा, इस वैल्यू को आप ध्यान से देखिए, क्या ये इसमें आपको और भी कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहा है, क्या एम कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहा है, एन ई स्क्वायर टाउ आपको कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहा है क्या? क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कंपेयर करके, अगेन इसको मैं कंपेयर करता हूं कि r इक्वल टू रो एल बाई ए से कंपेयर करता हूं, सो मुझे यहां पर क्या मिलेगा फर्दर व्हाट आई एम गेटिंग कि जो रो की वैल्यू होती है वो m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ पे डिपेंड करती है, देख रहे हो क्या, टाउ पे डिपेंड करती है। मतलब सबसे पहले वाले स्टेप में हमने ओम्स लॉ दिखा दिया, डेरिवेशन ऑफ द ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ कहां तक आ गया, वो इस स्टेप तक काम हो गया था, यहां तक वो काम हो गया था। फिर हमने जब v इक्वल टू आई आर के साथ कंपेयर किया तो हमको पता चला कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए होता है। और याद करो हमने पहले भी रेजिस्टेंस पढ़ा था r इक्वल टू रो एल बाई ए, r इक्वल टू रो एल बाई ए, तो एल बाई ए तो देखो इसमें भी है, देख रहा है क्या, एल बाई ए, और जो रो था जो कि कॉन्स्टेंट होता था उस कॉन्स्टेंट की भी वैल्यू यहां से मिल गई अपने को, क्या है वो, एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ है ये। तो इससे जब हमने रो निकाला तो रो हमको मिल गया, कितना है ये रो, रो की वैल्यू है m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ। वरना इससे पहले जब तक हमको सिर्फ इतना पता था कि रेजिस्टेंस रो l बाय a था, ये तो शॉर्टकट था, ये तो सामने वाले ने बता दिया कि चलो रेजिस्टेंस इज रो l बाय a, रो क्या है, रो कांस्टेंट है, बस ठीक है बात खत्म। लेकिन वो जो रो है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आ गया, रो की वैल्यू क्या है, m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ, यहां से रो आया है। एक तो चलो प्रैक्टिकली आप निकाल लोगे, दूसरा थ्योरेटिकली आप रो कहां से निकालोगे, इस मेथोडोलॉजी से निकालोगे। तो करने गए थे डेरिवेशन ऑफ द ओम्स लॉ, लेकिन हम लोग ओम्स लॉ के साथ साथ रेजिस्टेंस भी निकाल के लेके आए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, और साथ साथ में हमने रेजिस्टिविटी का भी एक्सप्रेशन निकाल लिया, रेजिस्टिविटी इज एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये दोनों के दोनों चीजें आ गई, ठीक है, ये पूरी चीज हमने निकाल दी। सो दिस वॉज द डेरिवेशन ऑफ द ओम्स लॉ। अब ये चीज तो हम लोगों ने निकाली, रेजिस्टेंस जो है एक्सेट्रा, लेकिन रेजिस्टेंस जब सीरीज में हो
या पैरेलल में हो तब क्या होगा, तो ये तो पता ही अपने को वेरी वेल, लेकिन चलिए एक बार और देख लेते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो लिखिएगा ज़रा, रेजिस्टेंस इन सीरीज, वेन एवर वी कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो देखो जब कभी भी कोई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, ये देखिए मैं यहाँ सीरीज कनेक्शन बना रहा हूँ, दिस इज रेजिस्टेंस आर वन, दिस इज आर टू, दिस इज आर थ्री, है ना, तो ये यहाँ से कनेक्ट कर दिया इस वे में, दिस इज आर वन, दिस इज आर टू एंड दिस इज आर थ्री। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है ये क्या करंट जा रहा है, आई, एंड दिस इज द पोटेंशियल वी। और जब जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तब तब करंट सेम रहता है, जो करंट R1 से जाएगा वही R2 में से जाएगा, वही R3 में से जाएगा। अच्छा, R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, R2 के V2 एंड R3 के V3 है, राइट। सो जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल V, यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल होगा V, V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब बैटरी जो भी पोटेंशियल देगी, कुछ R1 के पास जाएगा, कुछ R2 के पास, कुछ R3 के पास। मान लो जैसे बैटरी ने 100 रुपये दे दिया, लो जाओ 100 रुपये में से 20 रुपये चले गए इस पहले वाले के पास R1 के पास, 30 रुपये चले गए दूसरे वाले के पास, है ना, और तीसरे वाले के पास चले गए 50 रुपये, तो 20, 30 एंड 50, बस हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू वॉट, V इक्वल टू आई आर। V1 क्या होगा, I R1, V2 क्या होगा, I R2, V3 क्या होगा, I R3। तो एक काम करेंगे, I कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल, सो द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी बात जब कभी बात सीरीज कनेक्शन की आती है तो I इज कॉन्स्टेंट, तो I इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन I इज कॉन्स्टेंट। दूसरा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो ये लो, ये हमने लगाया एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, नाउ दिस इज द बैटरी कनेक्टेड, This is the V, this is the R1, R2, R3, okay? तो यहाँ से जब करंट जाएगा I, तो करंट तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, I1, यहाँ पर ये जो करंट है ये I2 है, और ये करंट है I3 में, है ना, I3। अच्छा, जब कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें वोल्टेज कॉन्स्टेंट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। तो जो I होगा यहाँ पर I डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, I will be like I1 plus I2 plus I3, ठीक है। तो बताओ I क्या हो जाएगा, V by R equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। तो V common लेंगे and cut कर देंगे, तो common लेके cut कर देना, ठीक है, मैंने एक step यहाँ पे reduce कर दिया। So 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। सो दिस इज इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसमें कुछ नया नहीं है, टेंथ में आप भर भर के इनके ऊपर क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट R इक्विवेलेंस एंड करंट इन द ईच पार्ट ऑफ द सर्किट। पहले हमको R इक्विवेलेंस निकालना है एंड उसके बाद करंट। तो R इक्विवेलेंस के लिए देखिए, सबसे पहले क्या ये दोनों सीरीज कनेक्शन है, क्या ये दोनों सीरीज है, 4 ओम 2 ओम, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6 ओम। उसके बाद देखिए, ये 3 ओम एंड ये 6 ओम, क्या ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, क्या दोनों पैरेलल हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6 इक्वल टू 1 बाई आर। तो ये कॉमन 6 ले लेंगे, 3 टू जा 6 प्लस 1, तो 2 और 1 3, 3 बाई 6, तो कट होकर के 1 बाई 2, इसका मतलब R की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब ज़रा नोट कीजिए कि इस पूरे का, इसका एंड इस पूरे का कितना रेजिस्टेंस निकल के आ गया, 2 ओम, राइट। अब उसके बाद ये 2 ओम एंड ये 6 ओम, क्या ये दोनों सीरीज में है, इसलिए डायरेक्टली एडअप हो जाएंगे,
So the next result will be what? R equivalence will be equal to, R equivalence will be equal to 6 plus 2. तो कितना हो जाएगा? 8 ohm. कितना हो जाएगा? 8 ohm. So R equivalence is 8 ohm. ये तो चिल्लर से क्वेश्चन है, ये तो आपने 10th में भी किए थे, तो इसके लिए ज़्यादा एक्सप्लेन मैं इसको करूँगा नहीं, है ना? ओके, तो R equivalence is 8 ohm. अब दूसरी चीज है, यहाँ पर पूछा है कैलकुलेट करंट इन ईच पार्ट ऑफ द सर्किट. हर एक पार्ट में कितना करंट होगा, हर एक पार्ट में यहाँ पे कितना करंट होगा. ओके, तो अब जरा इसके लिए देखिए. सबसे पहले तो टोटल करंट कितना होगा. ओके, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर के लिए पढ़े थे, यहाँ पर भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उसी के हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे. तो क्या रूल्स हैं जरा यहाँ पर देख लीजिए, व्हाट आर द रूल्स. तो सबसे पहला रूल ये है, कैलकुलेट कैलकुलेट आर इक्विवेलेंस. ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपने कैपेसिटर में पढ़ा था, कैलकुलेट आर इक्विवेलेंस. दूसरा, कैलकुलेट करंट इन द सिस्टम, करंट इन द सिस्टम, या फिर आप इसको बोल सकते हो टोटल करंट, करंट इन द सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हो टोटल करंट. टोटल करंट के बाद, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, आपको आई को डिस्ट्रीब्यूट करना है. करंट जो है, टोटल करंट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस, है ना? तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट करंट, डिस्ट्रीब्यूट करंट. तो करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अच्छा, आपने करंट का रिलेशन पढ़ा होगा कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. अच्छा, याद करो जब यही क्वेश्चन कैपेसिटर में था, तो आपने करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया था अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस. जहां कैपेसिटेंस ज्यादा वहां आप ज्यादा करंट भेजते थे, और जहां कैपेसिटेंस कम वहां पर आप कम करंट भेजते थे. लेकिन यहां पर उल्टा होगा, यहां जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां का करंट कम होगा, और जहां का करंट कम, जहां का रेजिस्टेंस कम और वहां का करंट ज्यादा. ओके, तो इस हिसाब से आपको यहां पर वर्कआउट करना है. फिलहाल तीन ही पॉइंट देखते हैं, उसके बाद आगे का पूछेगा. जैसे पोटेंशियल पूछेगा, उस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, तो V इक्वल टू वहां से कितना करंट है मल्टीप्लाइड बाय R. वो आगे की चीजें देखते हैं, अभी फिलहाल तीन पॉइंट तक ही वर्कआउट करते हैं. तो देखिए, यहां से टोटल करंट कितना आएगा, व्हाट विल बी द टोटल करंट. सो I टोटल विल बी इक्वल टू, करंट विल बी इक्वल टू V टोटल डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंस, है ना? यही बनेगा. इसका मतलब I टोटल विल बी इक्वल टू कितना है, बैटरी ने कितना पोटेंशियल दिया 72, डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंस कितना आया 8, तो सॉल्व करने के बाद 9 एम्पियर. सो द करंट इन द सर्किट, या करंट इन द सिस्टम, या फिर टोटल करंट इज इक्वल टू 9 एम्पियर. टोटल करंट यहाँ पर कितना आया, 9 एम्पियर. ओके, लेकिन अब ये जो 9 एम्पियर करंट है, देखिएगा जरा, यहाँ से 9 एम्पियर करंट गया, यहाँ से 9 एम्पियर करंट गया. अब 9 एम्पियर करंट जा करके इस पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर आगे की तरफ जाएगा. लेट से ये करंट है I1, और जो आगे की तरफ जा रहा है ये करंट है I2. जो आगे की तरफ जा रहा है वो है करंट I2. तो ये जो 9 एम्पियर है, 9 एम्पियर, ये I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा. अब सवाल है कि I1 को कैसे कैलकुलेट करना है, I2 को कैसे कैलकुलेट करना है, है ना? तो इसके लिए आपको देखना होगा कि रास्ते में जो टोटल रेजिस्टेंस है, I1 के रास्ते में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है और I2 में कितना आ रहा है, I1 में कितना और I2 में कितना. अच्छा, एक चीज यहाँ पर, एक रजिस्टर था जो मिट गया. हाँ, तो ये देखिए, ये 3 ओम है, दिस इज द 3 ओम, करेक्ट. ऑलराइट, तो करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो I1 क्या होगा, जरा नोट कीजिएगा, I1, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम, ठीक है? अच्छा, पहले मैं इसको जनरली आपको बताता हूं. सुनिए, अगर मैं इसको रीडिजाइन करूं, देखिए यहां से करंट आया, देखो ये है 6 ओम का रेजिस्टेंस, यहां पर करंट आया, एक रास्ता है उसके पास ये, तो यहां का जो नेट है कितना है, 3 ओम है. उसके बाद अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं, 4 और 2 को जोड़ दूं, तो यहां पर कितना आ गया, 6 ओम आ गया, है ना? इन दोनों का क्या आ जाएगा, 6 ओम. 4 ओम और 6, 4 ओम को और 2 ओम को मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि जो करंट I2 यहां से गुजरेगा उसको दोनों का सामना करना पड़ेगा, 4 ओम का भी और 2 ओम का भी. इसी वजह से यहां पर इन दोनों को ऐड करके कंबाइंडली मैं एक 6 ओम लिख रहा हूं. तो अब जरा सुनो, यहां से जब करंट गया, 9 एम्पियर का करंट गया, तो 9 एम्पियर का करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द रेशियो ऑफ 3:6. अच्छा, 3:6 का मतलब क्या हो गया, अगेन 1:2 के रेशियो में. तो 9 एम्पियर के करंट को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 1:2 के रेशियो में. क्या आप ये कर सकते हैं, 9 एम्पियर के करंट को क्या आप 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं? आसान है, आसान है. कैसे कर देंगे, देखिए 1:2 ना, मतलब कि ये जो होगा एक हो जाएगा 9 × 1 बाय टोटल कितना हो गया 3, तो 3 3 ज़ा 9, 3 एम्पियर, और दूसरा होगा 9 ×
2/3 है कि नहीं, ब्रेक डाउन करना है ना, 9 को 1:2 के रेशो में डिवाइड करना है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3s are 9 और 3 2s are 6, 6 एम्पियर, ओके। तो 9 को आपने 1:2 के रेशो में डिवाइड कर दिया, या बोलो कि 3:6 के रेशो में डिवाइड कर दिया। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज, एक है 3 एम्पियर और एक है यहाँ पर 6 एम्पियर, एक है 3 एम्पियर और एक है 6 एम्पियर। अब यहाँ पर जहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ से कम करंट जाएगा, जहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर कम करंट जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 3 एम्पियर का ही करंट जाएगा, जबकि इधर पे 6 एम्पियर का करंट जाएगा। इधर पे कितना करंट जाएगा, 6 एम्पियर। तो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम, जहां का रेजिस्टेंस ज्यादा वहां का करंट कम, और जहां का रेजिस्टेंस कम वहां करंट ज्यादा। इसलिए 9 एम्पियर का जो 6 एम्पियर था, 9 एम्पियर से जो 6 एम्पियर था वो 3 ओम से गुजरा, और बाकी जो 3 ओम बचा वो 6 ओम से गुजरा, वो 6 ओम से गुजरा। ये बात क्लियर है? तो करंट को आपको रेशियो के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देना है, करंट को आपको रेशियो के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देना है। अगर आपको ऐसा थोड़ा मुश्किल लग रहा है रेशियो में डिवाइड करना, हालांकि रेशियो तो बहुत आसान चीज़ है, वो तो हम 8th 9th में पढ़ते हैं, वो तो आप कर ही लेंगे, फिर भी अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं एक टेक्निक आपको बताता हूँ। जैसे I1 क्या करेंगे आप, I1 कैसे निकालेंगे, तो I1 निकालने के लिए आप जो दूसरा रास्ता है उसका रेजिस्टेंस लेंगे, दूसरे रास्ते का रेजिस्टेंस लेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे I1 निकालने के लिए मैं ये दूसरा रेजिस्टेंस लूँगा, 6 ओम डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया, ये 6 और 3, 6+3 into I total, ये I1 हो जाएगा। सिमिलरली I2 क्या बनेगा, वॉट विल बी I2, तो I2 के लिए मैं लूँगा 3 ओम डिवाइडेड बाय 6+3 into I total। तो अब ज़रा एक बार इसको सॉल्व करके देखिए, तो I1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6/9 into टोटल करंट कितना, 9, तो 9 से 9 कैंसिल, सो I1 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, 6 एम्पियर, ठीक है। अब इसी का देख लीजिए I2 विल भी क्या होगा, 3/9 into I total कितना, 9, तो 9 से 9 कैंसिल, सो I2 का वैल्यू कितना आया, 3 एम्पियर, I2 का वैल्यू कितना आया, 3 एम्पियर आया, है ना, तो इससे भी आया। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली किया क्या, ध्यान देना, किया क्या मैंने, I1 जो है, I1 के लिए मैंने रेजिस्टेंस कौन सा लिया, I2। देखो I1 का रास्ता तो ये है ना, ये देखो जरा, ये I1 का रास्ता तो ये है ना, लेकिन I1 के लिए मैंने रेजिस्टेंस कौन सा लिया, ये 6 ओम वाला लिया, दूसरे ट्रैक का लिया। जबकि I2 क्या है, देखो जरा, क्या ये I2 था, तो I2 के लिए मैंने रेजिस्टेंस कौन सा लिया, ये 3 ओम लिया, देख रहे हो क्या, ये 3 ओम I2 के लिए लिया मैंने, और जबकि ये जो 6 ओम था ये मैंने I1 के लिए लिया, करेक्ट। क्यों, क्योंकि करंट का और रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं चाहता हूं इस ट्रैक में करंट पता करने के लिए तो रेजिस्टेंस मुझे इस ट्रैक का लेना होगा, और अगर मैं चाहता हूं इस ट्रैक का करंट पता करने के लिए तो मुझे रेजिस्टेंस इस वाले का लेना होगा, क्योंकि करंट एंड रेजिस्टेंस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक मेथोडोलॉजी है। एक बार मैं इसको वापस बता देता हूं, जिनको नहीं समझा मैं इसको वापस एक बार बता देता हूं। देखो जरा समझो, ये एक ट्रैक है, ठीक है, अच्छा इसके दो हिस्से हैं, यहां पर 1 and this one is 2, एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है और दूसरा यहां पर लगा हुआ है। सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2, यहाँ से जो करंट जा रहा है ये है I1 और ये करंट है I2, ओके, और यहाँ से जो करंट गया यह है I total, क्लियर है? तो यहाँ पर I1 और I2 कैसे निकलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, I1 और I2 कैसे निकलेगा, सो I1 के लिए मैं लूँगा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 into I total, देख रहे हो, मुझे I1 निकालना है लेकिन मैं रजिस्टर किसका ले रहा हूँ, I2 का ले रहा हूँ, निकालना मुझे I1 है लेकिन रजिस्टर मैंने कौन सा लिया, I2 के रास्ते में आने वाला, इसलिए I1 इक्वल टू R2/R1+R2, है ना, ये देखो जरा ये I1 है जबकि रजिस्टर मैं कौन सा ले रहा हूँ, ये R2 का ले रहा हूँ। दूसरा, अगर मुझे I2 निकालना है सो I2 निकालने के लिए मैं क्या लूँगा, R1 डिवाइडेड बाय R1+R2 into I total। तो ये देखिए, जब मुझे I2 निकालना था तो मैंने रेजिस्टेंस R1 लिया, क्योंकि रिलेशन इनवर्स है इसलिए, समझ गए ये चीज़ समझ गए। तो इस हिसाब से आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया। तो I1 कितना निकला आपका, व्हाट इज द I1, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, I1 की जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज 6 एम्पियर, एंड I2 की जो वैल्यू निकल के आई, व्हाट इज I2, तो I2 आया 3 एम्पियर, ठीक है। अब मान लीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं,
मान लीजिए, वैसे तो क्वेश्चन यहीं पर ही एंड हो जाता है, क्वेश्चन जहां तक पूछा था ईच पार्ट, तो हमको पता चल गया मेन सर्किट में करंट है 9 एम्पीयर, उसके बाद 6 एम्पीयर इधर से चला जाएगा आई1 बोल करके एंड बाकी 3 एम्पीयर इधर से। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन देने वाला ये बोले कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ये आपको पता करना है हर एक कैपेसिटर के यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चौथा पॉइंट आप ये लिख दीजिए, टू कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, क्या होगा यहां पर, कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर यूजिंग क्या फॉर्मूला लगेगा पोटेंशियल ड्रॉप का, क्या होगा कि V इक्वल टू I, कौन सा वाला I, अब ये जहां की आप बात कर रहे हैं, जिस सर्किट की आप बात कर रहे हैं, है ना, तो जो भी है जैसे I1, I2, whatever, है ना, तो I, चलो मैं यहाँ पे सर्किट लिख देता हूँ, इनटू वहां का R, जहां की आप बात कर रहे हैं, जिसके अक्रॉस आपको निकालना है, जिसके अक्रॉस आपको निकालना है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो चलो एक बार जरा इसका भी देख ही लिया जाए, है ना, इसका भी देख लेते हैं, तो क्या बनेगा, कहाँ पे लिखूं मैं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट मी सॉल्व ओवर हियर। तो मुझे इस 6 ओम के अक्रॉस निकालना है ना, ये देखो जरा, मुझे इस 6 ओम मेन डायग्राम में देखो, मुझे इस 6 ओम के अक्रॉस निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप। तो 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो 6 ओम के लिए मैं लिखूंगा यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम, 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो 6 ओम के अक्रॉस कितना करंट है, 9 एम्पियर का करंट है ना, 9 एम्पियर इंटू यहां का रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो कितना हो गया 54 वोल्ट, कितना हो गया 54 वोल्ट, तो 6 ओम के अक्रॉस 54 वोल्ट आ गया, कितना है 54 वोल्ट। दूसरा, ये जो 4 ओम है इसके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अक्रॉस 4 ओम, तो 4 ओम से गुजरने वाला करंट कितना है, व्हाट इज द करंट, तो 4 ओम से I2 गुजरा था, अच्छा I1 की वैल्यू थी 6 एम्पियर, I1 जो था वो था 6 एम्पियर एंड I2 यहां पर कितना है 3 एम्पियर, I2 जो है दिस इज I2 3 एम्पियर। ओके, अब हम निकालते हैं, तो 4 ओम के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, सॉरी कितना पोटेंशियल है, तो करंट यहां पर कितना है 3 का 3 एम्पियर इंटू आई, और ये रास्ते में जो 4 ओम है इसका क्या है, ये 4 ओम ही है, तो कितना हो गया 12, है ना 12 वोल्ट, दिस इज 12 वोल्ट। एक और चीज जरा देखिए, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस 2 ओम, 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है 3 एम्पियर का, क्योंकि जो 4 एम्पियर से गुजरेगा वो 3 एम्पियर, वो 2 ओम से भी गुजरेगा, जो 4 ओम से गुजरेगा वो 2 ओम से भी गुजरेगा, तो 3A इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, तो 3 टू जा 6 ओम। अच्छा, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस 3 ओम, तो 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो यहाँ का कितना करंट है, यहाँ से कितना करंट जा रहा है 6 एम्पियर का, है ना, ये जो 3 ओम है 3 ओम से कितना करंट गया 6 एम्पियर का करंट गया इंटू यहाँ का कितना वैल्यू है 3 ओम, तो कितना आ गया 18 ओम, कितना आ गया ये 18 ओम आ गया। एक बार मैं इन सारी वैल्यूज को लिख दूँ, सारी वैल्यूज को लिख देता हूँ, हाँ तो पहले ये 6 ओम वाले का तो निकल के आया था कितना 54 वोल्ट, 6 ओम के अक्रॉस 6 ओम, यस ये जो 6 ओम था, चलो ये 6 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया था 54 वोल्ट, इस 3 ओम के अक्रॉस कितना आया 18 वोल्ट, इस 4 ओम के अक्रॉस कितना निकल के आया 12 वोल्ट, इस 2 ओम के अक्रॉस कितना निकल के आया 6 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया, अब एक बार जरा चेक तो करें कि क्या ये वैल्यू सही है, ये देखिए मैं इसको रेड में लिख देता हूँ, 54 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट एंड ये 6 वोल्ट, वैसे थोड़ा छोटा हो गया है, काफ़ी छोटा छोटा लिख दिया मैंने यहाँ पर दिख तो रहा है। चलो अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने सही किया है, तो इसके लिए आप कोई सा भी लूप पकड़ लीजिए, जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर में किया था सेम चीज, कोई सा भी लूप पकड़ लीजिए, कोई सा भी लूप पकड़ लो और ऐड करके देखो कि जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उनका टोटल सम क्या ये बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है, 72 के बराबर है, तो ले कोई सा भी लूप। चलो एक काम करते हैं हम लोग, ये वाला लूप ले लेते हैं, ठीक है, सपोज दिस इज द लूप, तो ये 6 ओम के अक्रॉस कितना है 54 वोल्ट, 54 में आप ये 18 ऐड कर दो क्योंकि दो ही तो रजिस्टर आ रहे हैं इस लूप में, 54 प्लस 18 8 और 4 12, 12 का 2 हो गया एक ऊपर आ जाएगा 5 और 6 और 1 7, क्या 72 आ रहा है, देखो क्या ये 54 प्लस 18 ऐड कर दो क्या ये 72 आ रहा है, आ रहा है, मतलब सही है। ठीक है, दूसरी चीज, नाउ द सेकेंड थिंग,
ये वाला लूप ले लेते हैं, चलिए ये वाला, इस बार ये वाला लूप ले लेते हैं। अब इस लूप में देखो सबको ऐड करके 54 प्लस 12 कितना हो गया 66 में और इस 6 को ऐड कर दो कितना हो गया 66 प्लस 6 72। देखो यहां से भी आ गया राइट right? तो इससे क्या पता चला कि हमने जो किया है सही किया है। तो ये सेट ऑफ रूल आपको याद रखना है, पहला आर इक्विवेलेंस निकालिए, दूसरा करंट इन द सिस्टम निकालिए, उसके बाद करंट का डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, इस वाले लाइन का करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस यहां का लो, और अगर यहां का करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस यहां का लो। इतना भी नहीं करना चाहते तो करंट को रेजिस्टेंस के रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर दो। मान लो इसका और इसका रेजिस्टेंस 2:3 का रेशियो है, सपोज रेजिस्टेंस 2:3 का रेशियो है तो करंट 3:2 के रेशियो में डिवाइड होगा, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहां का करंट कम होगा। इसलिए अगर रेजिस्टेंस 2:3 का है तो करंट 3:2 का हो जाता है, तो डिवाइड कर दो और बस। हर एक जगह का पोटेंशियल पता करना हो तो वी इक्वल टू आई आर का लॉजिक लगाओ, दैट्स ऑल। एक और सिमिलर क्वेश्चन देखिए, ये एक सर्किट है 50 वोल्ट का बैटरी है, 18 ओम 6 ओम 3 ओम 4 ओम ये रास्ते में है। आपको बोल रखा है कि कैलकुलेट आर इक्विवेलेंस करंट इन ईच पार्ट ऑफ द सर्किट, इतना तो पूछा ही है। हम साथ साथ में एक और चीज निकालेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, वो भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहला आर इक्विवेलेंस क्या होगा, तो आर इक्विवेलेंस के लिए देखिए क्या ये 6 और ये 3 आपस में सीरीज में है। वैसे आपको करना क्या है, पहले वीडियो पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है और उसके बाद वीडियो देखना है, तभी कुछ फायदा होगा, वरना जो मैं करा रहा हूँ साइड बाय साइड आप वो देख करके करेंगे तो फायदा नहीं पहुंचेगा। तो पहले वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो ये 6 ओम और ये 3 ओम कितना हो गया 9 ओम हो गया। उसके बाद देखिए ये 9 ओम और ये 18 ओम क्या ये पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए क्या होगा 1/18 प्लस 1/9 1/r है ना। तो एक काम करते हैं कॉमन 18 ले लेते हैं, 9 2 18 तो 3/18 तो कितना हो गया 1/6, तो इसका मतलब r की वैल्यू कितना आ गया 6। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है नेट कॉम्बिनेशन इस पूरे सिस्टम का ये कितना आ गया 6 ओम, और फिर ये 6 ओम और ये 4 ओम आपस में कैसे सीरीज में है, तो 6 और 4 कितने हो गए 10 हो गए, 6 और 4 10 हो गए राइट। तो व्हाट इज द आर इक्विवेलेंस, आर इक्विवेलेंस यहां पर कितना आ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंस इज 10 ओम, आर इक्विवेलेंस इज 10 ओम। तो ये पहली चीज आ गई। आर इक्विवेलेंस के लिए मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि ये इतनी सब चीजें तो ऑलरेडी काफी बार कर चुके हैं आप लोग, तो पूरा लिखने की आई डोंट थिंक सो कि इस लेवल पे एक्चुअली जरूरत है, क्योंकि इतना तो आता ही है ना। उसके बाद आर इक्विवेलेंस आ गया, दूसरा क्या था, करंट निकालना है ऑफ द सिस्टम। चलिए करंट ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंस है ना, विच इंप्लाइज करंट इन द सिस्टम विल बी इक्वल टू पोटेंशियल कितना 50 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंस कितना निकल के आया 10, दैट मींस 5 एम्पियर। तो कितना करंट निकल के आया यहां पर 5 एम्पियर। सो लिख देता हूं मैं, करंट इन द सिस्टम इज 5 एम्पियर। ओके जी, करंट इन द सिस्टम इज 5 एम्पियर, तो मतलब यहां से जो करंट गया वो गया 5 एम्पियर। तो यहां तक तो 5 एम्पियर ही रहेगा है ना, वहां से 5 एम्पियर, यहां से 5 एम्पियर। इसके बाद करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक हिस्सा यहां पर ये लेट से I1 है और दूसरा ऊपर की तरफ लेट से ये I2 है, I1 और I2 में ये डिवाइड हो जाएगा ठीक है ओके। तो I1 कितना होगा, तो देखो I1 को 6 और 3 टोटल कितना हो गया 6 7 8 9 9 ओम का सामना करना पड़ रहा है, 9 ओम का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से ये जो 5 एम्पियर है ना ये 18:9 के रेशियो में डिवाइड होएगा, किसके रेशियो में 18:9, 18:9 का मतलब कितना हो गया 2:1 के रेशियो में, किसके रेशियो में 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आप 5 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको वही करना पड़ेगा जैसा मैंने आपको बताया था। तो क्या करोगे आप, व्हाट यू विल डू, चलो एक काम करते हैं I1 निकाल लेते हैं, I1 यहां पे कर देता हूं मैं I1। तो I1 के लिए आपको रेजिस्टेंस दूसरे रूट का लेना होगा, I2 वाले का लेना होगा। सो I1 विल बी इक्वल टू ये बन जाएगा, ओ सॉरी ये तो 18 ओम है ना, हाँ तो I1 वाले के लिए आपको लेना होगा 18 डिवाइडेड बाय
18 + 9 इंटू आई ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली I2 निकालने के लिए आपको लेना होगा I1 के रास्ते वाला, तो 9 डिवाइडेड बाय 18 + 9 इंटू आई ऑफ द सिस्टम। अब ये देखो ये क्या बनेगा, सो I1 इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 27 इंटू आई ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज आई ऑफ द सिस्टम, आई ऑफ द सिस्टम इज 5। तो सॉल्व करने के बाद कितना बन जाता है, तो 18 और 27 आपस में कैंसिल होंगे, 3 जा, तो 10/3। तो I1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 10/3 एम्पियर। I1 कितना, 10/3 एम्पियर। सिमिलरली I2 कितना हो जाएगा, तो अगर ये 10/3 है तो ये कितना होगा बचा हुआ, तो बचा हुआ कितना 20/3 होगा, है ना, नॉट 20/3, एक बार ज़रा देख लेते हैं इसको। तो ये बन गया 9/27 इंटू 5, तो ये कितना हो गया, हाँ 5/3 एम्पियर, क्योंकि 10/3 + 20/3 तो 30/3 10 हो जाता ना, तो हाँ तो ये 10/3 + 5/3 15/3 इज 5। ओके अब सही है, तो यहाँ से हम लोगों ने I1 की वैल्यू निकाली, I1 इज इक्वल टू 10/3 एम्पियर एंड I2 जो है वो आएगा 5/3 एम्पियर। ओके निकाल लिया, तो एक्चुअली क्वेश्चन यहीं तक ही था आपका, लेकिन हम एक काम करेंगे, पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच सर्किट, सॉरी ईच रजिस्टर भी निकाल लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर भी निकाल लेते हैं, ठीक है चलो निकाल लेंगे फिर। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ये 18 ओम वाले का कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 18 ओम, तो V इक्वल टू IR, तो यहाँ का करंट कितना है, तो भैया यहाँ का करंट I2 कितना निकाला था अभी हमने, 5/3, और जबकि I1 हमने कितना निकाला, I1 is 10/3, so what this value will be, तो V18 will be equal to IR, तो यहाँ का करंट है 5/3 into यहाँ का रेजिस्टेंस है 18, तो कितना हो गया, so this value is 30 volt, this is 30 volt, ठीक है। Potential drop across 6 ohm, तो 6 ohm से करंट कितना जा रहा है, 10/3, रेजिस्टेंस कितना है 6, तो सॉल्व करने के बाद ये कितना होगा, 3 × 2 = 6, तो 10 × 2 = 20 वोल्ट। पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम, तो यहाँ का करंट कितना, 10/3, यहाँ का कितना 3, रेजिस्टेंस कितना 3, तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आया 10 वोल्ट। पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम, अच्छा तो यहाँ पर एक बात देखो ज़रा, नोटिस करो I1 और I2 भले डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो यहाँ पर आकर के वो वापस जुड़ जाएंगे, है ना, ये देखो यहाँ पर I1 10/3 और ये I2 5/3, जब आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ का करंट अगेन वापस कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, तो 4 ओम से कितना करंट गुजर रहा है 5 एम्पियर का, तो यहाँ पर जो करंट होगा वो 5 होगा इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस कितना 4, तो 5/4 = 20 वोल्ट, 5/4 = 20 वोल्ट। अब मैं एक काम करता हूँ, इनके नीचे इनकी वैल्यू लिख देता हूँ, तो 18 ओम में कितना था 30 वोल्ट, 6 ओम में कितना था 20 वोल्ट, 3 ओम में कितना था 10 वोल्ट, 4 ओम में कितना था 20 वोल्ट लिख दिया। अब चेक करने के लिए कि आपने सही किया है या नहीं, आप क्या करेंगे, कोई सा भी एक लूप सेलेक्ट कर लो, चलो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला लूप सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, तो मैंने ये वाला लूप सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ इतना चेक करो कि जो बैटरी ने दिया, बैटरी ने जो दिया क्या वो इक्वल टू हर एक रजिस्टर के जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो उसके सम के बराबर है, हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप को ऐड करो क्या वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है, तो देखो 20 + 10 = 30, 30 + 20 = 50, हो गया बैटरी ने 50 वोल्ट दिया था, यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 50 वोल्ट, तो सही है 20 + 10 = 30 + 20 = 50, हो गया सही है। ओके दूसरा एक और लूप ले लेते हैं, सेकंड वाला लूप देखिए, ये वाला दिस वन, अब इसमें आप ऐड अप करके देखिए, पहले रास्ते में क्या आ रहा है 18 ओम में 30 वोल्ट, दूसरा 20 वोल्ट, तो 30 + 20 = 50,
तो आ गया हर एक का पोटेंशियल ड्रॉप। तो इसी वे में आपको क्वेश्चंस को कैरी फॉरवर्ड करना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर इज बेंट टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसका जो रेडियस है वो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, आर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ए एंड बी विल बी, ये देखो तो इसको एक सर्कल बना दिया और आपको पूछ रखा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट के बीच में। तो कनेक्शन कुछ ऐसा है, देखो जो करंट है ये ऐसे जाएगा और यहाँ से बाहर ऐसे निकलेगा, इसका मतलब कुछ करंट ऊपर से होते हुए जाएगा तो कुछ करंट यहाँ नीचे से होते हुए जाएगा, इस वे में जाएगा। तो डोंट यू थिंक सो कि एक पैरेलल कनेक्शन है, ये एक पैरेलल कनेक्शन है। अच्छा, पैरेलल कनेक्शन तो है, बट इस ऊपर वाले हिस्से का रेजिस्टेंस क्या होगा एंड इस नीचे वाले हिस्से का रेजिस्टेंस क्या होगा, फिर इन दोनों में आप पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगाएंगे। पहले तो देख लेते हैं कि ये जो सेमी सर्कल है बन रहा है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले इसकी लंबाई क्या है, तो पूरी लंबाई जो होती है सर्कमफ्रेंस की वो 2πr होती है, तो ये सेमी सर्कल का कितना होगा, पाई आर होगा, तो पाई तो भाई पाई हो गया और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, 10 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर, है ना। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.1 पाई मीटर। तो आर वन की वैल्यू कितनी है, सॉरी आर ऑफ द, एक्चुअली ये तो अभी लंबाई निकली है ना, ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये लंबाई निकली है। अब आप इस 0.1 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 12 ओम के साथ। क्यों ऐसा जरा समझिए, एक ये लॉजिक क्या दे रहा है आपको, ये कहना चाह रहा है कि आपने जो वायर लिया है उसके एक मीटर की लंबाई 12 ओम है, एक मीटर की लंबाई में 12 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 0.1 पाई में कितना होगा, तो 0.1 पाई इंटू 12, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2 पाई ओम, कितना आ जाएगा ये, 1.2 पाई ओम। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, लेट से ये R1 है, ये कितना आया, 1.2 पाई ओम। तो नीचे का जो हिस्सा है R2, क्या ये भी 1.2 पाई ओम होगा, सेम ही होगा ना, राइट। तो बस अब क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1 बाय आर इक्विवेलेंस विल बी इक्वल टू 1 बाय आर1 प्लस 1 बाय आर2, विच इंप्लाइज 1 बाय 1.2 पाई प्लस 1 बाय 1.2 पाई। तो सॉल्व करने के बाद ये क्या होगा, 1 बाय 1.2 पाई को कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1, है ना, क्या बचेगा, 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1, दैट मीन्स 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 1.2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय 0.6 पाई, कितना हो जाएगा ये, 1 बाय 0.6 पाई। तो अब इससे R इक्विवेलेंस, क्योंकि अब फ्लिप तो करना पड़ेगा ना, 1 बाय 0.6 पाई है, तो R इक्विवेलेंस कितना आ जाएगा, 0.6 पाई ओम, सो द R इक्विवेलेंस इज 0.65 ओम। तो देखा जाए तो कुछ नहीं है, आपने क्या किया, ऊपर वाले हिस्से का रेजिस्टेंस निकाला, नीचे वाले हिस्से का रेजिस्टेंस निकाला, दोनों में पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दिया। ऊपर वाले रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ऊपर वाले की लंबाई मल्टीप्लाई बाय 12 ओम, क्योंकि हर एक मीटर का 12 ओम है, तो इसका कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 12 ओम के साथ, बस निकल गया। सो इट वाज एन इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट आर इक्विवेलेंस ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का आपको आर इक्विवेलेंस निकालना है। व्हाट यू हैव टू डू इज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए, ओके। चलो देखें इसका, लेट्स सी, ओके नाउ देखो जरा, पॉइंट ए से शुरू करते हैं, सपोज दिस इज ए, ये पॉइंट ए है। अच्छा, अगर ए से करंट निकलेगा, जरा समझिएगा, अगर ए से करंट निकलेगा लेट से इस वे में, तो क्या ये तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, ये जो ए से करंट निकला क्या ये तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ओके। तो यहाँ से आप इसको तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है, तीन हिस्सों में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करा देना है। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ, दूसरा रेजिस्टेंस आर यहाँ एंड तीसरा रेजिस्टेंस आर यहाँ, है ना। क्या ये तीनों वापस आकर के आपस में जुड़ रहे हैं, देख रहे हो। अच्छा, एक चीज और भी है कि ए से निकलते वक्त रास्ते में भी तो था,
है ना, दिस इज द R, दिस इज R, 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 एंड दिस इज द पॉइंट B, दिस इज द पॉइंट B. नोटिस कर रहे हो यहाँ पर A से करंट निकला, तीन हिस्सों में गया और ये तीनों R, R, R हैं. तो देखो A से निकला, अच्छा A से जब निकला था तो बीच रास्ते में ये भी तो पड़ा था, ये देखो ये भी तो रेजिस्टेंस आ रही है, शायद इसमें लिखा नहीं था, हाँ ये भी आ रही है. तो A से निकला, रास्ते में आ रहा है, उसके बाद करंट 300 में डिवाइड हुआ और फिर B में पहुंचा. तो इसका कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, कॉम्बिनेशन तो नहीं मतलब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये बन रहा है. क्या आप अब इसका निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस? तो इन तीनों का क्या होगा, 1/r + 1/r + 1/r 3/r का रिवर्स करो तो r/3, तो ये है r/3. उसके बाद आप एक चीज नोटिस करो, ये r और ये r/3 क्या ये दोनों आपस में सीरीज हैं? सो व्हाट विल बी द r इक्विवेलेंस? सो r इक्विवेलेंस विल बी इक्वल टू r + r/3, क्योंकि अब ये दोनों पैरेलल हैं, सॉरी सीरीज में है. तो कितना हो जाएगा, 3r + r, दैट इज 4r/3. सो द नेट आंसर विल बी 4r/3. क्लियर है ये, राइट? ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बोल रखा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. P एंड Q के बीच में आपको इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आपको निकालना है. तो पॉज करिए और इसको सॉल्व कीजिए. चलिए देखिए इसको. अच्छा P एंड Q में अगर आप नोटिस करें तो डोंट यू थिंक सो कि ये कुछ ऐसा बनेगा. लेट्स से कि आप P को फ्लिप कर दीजिए ऊपर की तरफ, ये यहाँ पर ऐसा, ये इधर, और ये यहाँ पर आप ना इस Q को भी इस तरफ कर दीजिए, इस Q को भी आप इस तरफ कर दीजिए, ठीक है? ओके, तो ये जो 4 ओम है इस तरफ का तो अपनी जगह पर है ही, इस तरफ का 4 ओम भी अपनी तरफ है ही, है ना? दिस इज द पी एंड दिस इज द क्यू. अच्छा ये जो क्यू है ये एग्जैक्टली सेंटर में कनेक्टेड है और ये टोटल 4 है, मतलब कि इतना हिस्सा क्या होगा, क्या ये 2 ओम होगा और बाकी इतना हिस्सा इस तरफ 2 ओम होगा, है ना? दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, बराबर? देखो ना ये 4 ओम के बीच में से क्यू जा रहा है ना, मतलब ये आधा 2 ओम और ये 2 ओम. अब आप नोटिस करो जरा, क्या ये 4 ओम और ये 2 ओम सीरीज कनेक्टेड है? क्या ये दोनों भी सीरीज कनेक्टेड है? तो कितना वैल्यू बनेगा ये, 4 + 2 = 6, तो ये हो गया 6 ओम और ये भी हो गया 6 ओम. उसके बाद क्या ये दोनों पैरेलल हैं आपस में? तो पैरेलल होने का मतलब 1/6 + 1/6 = 2/6, 2/6 मतलब 1/3, रिवर्स कर दो तो कितना हो जाएगा, 3. सो द आर इक्विवेलेंस ऑफ द सिस्टम इज 3 ओम्स, आर इक्विवेलेंस ऑफ द सिस्टम इज 3 ओम. इस पूरे सिस्टम का जो आर इक्विवेलेंस होगा वो 3 ओम होगा, क्लियर? ओके, अगला सवाल देखिए, कैलकुलेट आर इक्विवेलेंस ऑफ दिस सिस्टम. ये सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका R इक्विवेलेंस आपको निकालना है, तो वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए. अब यहां पर एक चीज नोटिस करो, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है? आपने नोट किया होगा ना तो ये परफेक्ट सीरीज है ना ये पैरेलल है, ये एक अलग टाइप का है. हाँ अगर बीच में ये नहीं होता ना, ये बीच वाला, ये देखो ये बीच वाला नहीं होता ना, ये जो 7 ओम नहीं लगा होता, तब तो आप क्या करते, इन दोनों को सीरीज कर देते, इन दोनों को सीरीज और बाकी रिजल्ट को फिर पैरेलल कर देते, तब तो कोई दिक्कत होनी नहीं थी. ये जो बीच का 7 आ गया ना, इसने काम खराब कर दिया, इसने काम खराब कर दिया. तो अब क्या करेंगे, देखो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज. क्या बोलते हैं इसको, व्हीट स्टोन ब्रिज. अच्छा व्हीट स्टोन ब्रिज जरूरी नहीं कि ऐसा ही दिखाई दे, हो सकता है सामने वाला इसको ऐसा बनाए, ये इधर इसको ऐसा, सिमिलरली ये देखिए ये कुछ कुछ ऐसा बनाए, हो सकता है, और ये बीच में यहाँ पर ऐसा डाल दिया. तो ये आपका 3 ओम है, ये यहाँ पर 4 ओम, ये यहाँ पर 6 ओम, ये यहाँ पर 8 ओम, और ये बीच का 7 ओम. तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं. व्हीटस्टोन ब्रिज से आप अननोन रेजिस्टेंस को ढूंढ सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से आप एक अननोन रेजिस्टेंस को ढूंढ सकते हैं जो अभी आने वाला है. थोड़ा और आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, अननोन रेजिस्टेंस को ढूंढने के वो काम आता है. इसमें जरा नोट कीजिएगा, ये जो है दिस वन, इसको बोला जाता है पी, इसको बोला जाता है पी, रेजिस्टेंस पी, ठीक है, इसे बोला जाता है पी, इसे बोला जाता है क्यू, ये जो है ये वाला, इसे बोला जाता है क्यू, इसे बोला जाता है आर, दिस इज नोन एज आर, और ये जो लास्ट वाला है इसे बोला जाता है एस, इसे बोला जाता है एस, पी क्यू आर एस. अच्छा अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैंने नाम बोले ना पी क्यू आर एस,
कोई इसको किसी और नाम से बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम चेंज करने में क्या रखा है। ओके, कई बार हो सकता है आपको ये पी दिखाई दे, साइड वाला क्यू दिखाई दे, नीचे वाला आर और उसके बॉर्डर्स वाला एस, ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस हम लोग तब कहते हैं जब पी बाई क्यू का रेशियो आर बाई एस के बराबर हो। व्हीटस्टोन ब्रिज में, ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज की ही बात कर रहा हूँ, और ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज तब बैलेंस होता है जब पी बाई क्यू का रेशियो आर बाई एस के बराबर होता है, तब हम बोलते हैं कि जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है इट इज अ बैलेंस्ड, इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, जब ये बैलेंस्ड हो। एक बार जरा चेक करो क्या ये बैलेंस है, पी का वैल्यू कितना है 3 है, क्यू का वैल्यू कितना है 6, आर का वैल्यू कितना है 4, एस का वैल्यू कितना है 8, तो सॉल्व करके देखते हैं 3 1 3 3 2 6 4 1 4 4 2 8 1 by 2 equal to 1 by 2, बैलेंस्ड है, यस ये बैलेंस्ड है। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है, ध्यान रखिए जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो ये जो बीच में ये जो आपने कनेक्शन लगा रखा है इसके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, इसके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, मतलब यहां पर आई का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। किसमें, ये जो बीच वाली जो लाइन दिखाई दे रही है इसमें। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। ये पता लगाने के काम आता है अननोन रेजिस्टेंस को, ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लगाने के काम आता है। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ये तभी पता कर पाता है जब ये बैलेंस्ड होता है। बैलेंस्ड कब होता है, बैलेंस्ड तब होता है जब P by Q equal to R by S के बराबर हो। जब P by Q का रेशियो R by S के रेशियो के बराबर हो तब हम बोलते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जब ये बैलेंस हो जाता है ना तो बीच वाली जो लाइन है ना वहां पर करंट फ्लो नहीं करता है, बीच वाली लाइन में करंट फ्लो नहीं करता है, दैट मीन्स I इज इक्वल टू जीरो। यहां पर बीच में ये जो 7 ओम है इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा, तो वहां पर आप कोई भी डिवाइस लगा दो कोई मतलब ही नहीं बनेगा उसका। तो यहां पर आप 7 ओम लगाओ, 20 ओम लगाओ, 100 ओम लगा दो, कुछ भी मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर करंट जाने ही नहीं वाला। अब आपके मन में आएगा क्यों सर ऐसा क्यों, वहां से करंट क्यों नहीं जाएगा, वायर तो है तो करंट क्यों नहीं जाएगा। वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है ना तो इस पॉइंट का पोटेंशियल देखो किसका, ये जो ये ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। इसको मैं नाम देता हूं, लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए एंड बी का पोटेंशियल सेम हो जाता है। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो क्या आपको लगता है करंट फ्लो करेगा, क्योंकि करंट तो तब फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, जब अलग अलग पोटेंशियल हो तो करंट फ्लो करेगा। तो ऊपर और नीचे इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, कब, जब पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस होता है उस मोमेंट पे। तो पोटेंशियल सेम होने पे करंट फ्लो नहीं करता, तो बीच में कुछ भी लगा होने दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अदर वे में भी बोला जाता है, क्या, कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर बीच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो मतलब बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तो बीच में करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर बीच में करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब बैलेंस्ड है। तो कोई कैसी भी टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज कर सकता है। अब ये देखो क्या ये बैलेंस्ड है, क्या ये बैलेंस्ड है, यस हमने चेक किया ये बैलेंस्ड है, तो पी वाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस है, मतलब ये बैलेंस्ड है। और अगर ये बैलेंस्ड है तो 7 ओम से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, और अगर इस 7 ओम से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस 7 का कोई मतलब है क्या, क्या इस 7 ओम का कोई मतलब है, नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर इसका मतलब ही नहीं है तो क्या अब आपके लिए काम आसान है, यस। तो ये जो 3 ओम और ये 4 ओम है इन दोनों को आपस में सीरीज कनेक्शन कर दो, तो कितना हो गया 4, 5, 7 ओम। उसके बाद ये नीचे का 6 ओम और ये 8 ओम इनको आपस में जोड़ दो, 6, 6, 12, 13, 14 ओम। अब ये नेट रिजल्ट पैरेलल हो गया, तो 1/7 + 1/14, तो क्या हो जाएगा 2/14 + 1/14, है ना, तो कितना बन जाएगा ये 3/14, 3/14 का मतलब 14/3। तो इस पूरे सिस्टम का जो R इक्विवेलेंस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 14/3 ओम्स, ठीक है। एक आखिरी बार मैं बता देता हूं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के काम आता ही है, लेकिन अननोन रेजिस्टेंस भी ये तभी ढूंढ पाता है जब ये बैलेंस्ड हो। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस का रेशियो सेम होता है, तभी हम बोलते हैं कि ये बैलेंस्ड है। और जब जब ये बैलेंस्ड होता है तो बीच वाले लाइन पे, ये जो बीच वाली लाइन दिखाई दे रही है
यहां पर करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगा तो बीच में आप कुछ भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने उसको कैंसिल कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस बचा क्या, तीन और चार, ऊपर तीन और चार को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दो तो चार पांच या सात, नीचे छह और आठ ऐड कर दो तो 14 हो गया। तो 1/7 + 1/14 टोटल कितना हो जाएगा, 3/14, रिवर्स कर दो 14/3। बस रिवर्स क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो 1/r इक्विवेलेंस इक्वल टू जो भी मिलेगा आपको इनवर्स मिलेगा, तो आपको 1/r इक्विवेलेंस थोड़ी चाहिए, आपको r इक्विवेलेंस चाहिए, फ्लिप कर दिया। सो द आंसर इज 14/3, आंसर इज 14/3। अगला डायग्राम ये देखिए, कैलकुलेट r इक्विवेलेंस, दिस इज द नेक्स्ट डायग्राम, पॉज करिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो देखें इसको, चेक करें, अगर आप इसको नोट करें यू विल रियलाइज दैट कि ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। देखो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से दो कनेक्शन जा रहे हैं, एक 4 ओम की तरफ और एक 2 ओम की तरफ। तो ये लीजिए हमने यहाँ पर बनाया, अच्छा चलो पहले मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये देखो ये ऊपर की तरफ कौन है, 4 ओम, नीचे की तरफ कौन, 2 ओम, बराबर ऐसे ही हो रहा है। अच्छा इस बी वाले को देखिए, बी वाले का कनेक्शन 8 वाले की तरफ है, देखिए 8 वाले की तरफ है और 4 वाले की तरफ है ना, 4 ओम की तरफ है। एंड बीच में ये देखो, बीच में दिस इज 10 ओम, करेक्ट, देख लो चेक कर लो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। देखो ए से दो लाइन निकल रही है ना, मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ, देखो ए से दो लाइन निकल रही है, एक 4 ओम की तरफ और एक 2 ओम की तरफ, देखो एक ए से 4 ओम की तरफ और एक 2 ओम की तरफ, करेक्ट। बी का देखो, बी से दो है, एक 8 ओम का कनेक्शन और एक 4 ओम का, ये देखो लो बी का एक 8 ओम की तरफ है और एक 4 ओम की तरफ है, सही है। और ये जो बीच में ये देखो, ये 4 ओम को मैं इधर तक कर देता हूँ और यहाँ पे ये 4 ओम को मैं इधर तक कर देता हूँ। तो देखो जरा क्या ये 4 और 8 आपस में जुड़ रहे हैं इस पॉइंट पे, बीच का बचा 10, तो ये देखो 10, क्लियर है ये चीज, ओके। सो दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या ये बैलेंस्ड है, क्या ये बैलेंस्ड है, जरा देखो ये है हमारे पास P, ये है Q, ये है R और ये है S, क्या यहाँ पर P by Q equal to R by S है, जरा देखो P कितना है 4, 4/2 equal to 8/4, तो कैंसिल करेंगे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो क्या आया 2/1 equal to 2/1, क्या ये बैलेंस्ड है, यस इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर ये बैलेंस्ड है तो क्या यहाँ पर इस 10 ओम का कोई मतलब है, नहीं मतलब ये 10 ओम का कोई मतलब नहीं, क्या आप निकाल सकते हैं आप, यस। तो 4 और 8 कितने हो गए 12, यहाँ से 4 और 2 कितने हो गए 6, तो 12 ओम 6 ओम, 1/12 + 1/6, तो 1/12 + 2/12, तो 3/12, तो 3/12 कितना होगा 1/4, तो 1/4 का उल्टा क्या हो जाएगा 4, सो द आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 4 ओम, R equivalence is equal to 4 ohm. तो यहाँ पर R equivalence निकल के आया 4 ohm. तो ये structure देख लो, इसके पहले वाला structure देख लो, Wheatstone bridge ही था। ये अलग अलग तरीके से दिखा रहा है आपको Wheatstone bridge, ये आपको याद रहना चाहिए, okay? अगला question ये है, this is your next question. आपको पूछ रखा है कि यहाँ पर, अच्छा एक combination actually, ये देखिए ये यहाँ से इधर, वेट अ सेकेंड, ये इधर पे है एंड ये इधर है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो आपको बोल रखा है कैलकुलेट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, यू हैव बीन आस्क्ड कि बताइए इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जो जो सॉल्व कर सकते हो उसको सॉल्व कर लो, है ना, देखो क्या ये, अच्छा पहले पॉज करो सॉल्व करो उसके बाद देखना, पॉज करो सॉल्व करो उसके बाद देखना, ठीक है। तो देखो क्या ये आर और ये आर आपस में सीरीज है, क्या ये आर और ये आर आपस में सीरीज है ना, ये देख रहे हो क्या, ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ही है, दिस आर द सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। आर और आर कितना होता है 2R, दिस इज 2R और ये R, ये 2R और ये R आपस में पैरेलल है, तो क्या होगा 1/2R + 1/R, ये लो 1/2R + 1/R, है ना, तो 1/2R + R, तो 1/R कॉमन ले लो, अंदर क्या बचता है 1/2 + 1, दैट मीन्स 3/2, तो 3/2R, इसका मतलब R कितना निकल के आएगा 2R/3, है ना। अच्छा ये बाय द वे इसको इक्विवेलेंस हम लोग अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंस तो वो होता है जो पूरे सिस्टम का हो, तो जस्ट इसको सपोज R डैश का नाम दे देते हैं, लेट्स से इट इज़ R डैश। तो हमने नोटिस किया
हमने नोटिस किया कि यहाँ पर इस पूरे का, ये देख रहे हो, ये पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा कॉर्नर है, इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 2R/3, मानते हो कि नहीं? यहाँ पर इस पूरे का जो है वो निकल के आ रहा है 2R/3, यहाँ पे इस पूरे का निकल के आ रहा है 2R/3, और इस वाले का भी निकल के आ रहा है 2R/3। क्यों? क्योंकि पहले 2R सीरीज में थे, उसके बाद पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगेगा इस तीसरे वाले के साथ, तीसरे वाले के साथ लगेगा, है ना? अच्छा, अब जरा नोट करो यहाँ पर, डोंट यू थिंक सो कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है? क्या ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है? दिख रहा है क्या? कैन यू सी इट इज़ अ व्हीटस्टोन ब्रिज? कैसे? देखो, चार रजिस्टर हैं, एक ये, एक ये, एक यहाँ पर ये, और एक ये, और ये बीच में है R. सो दिस इज R, ये है 2R/3, ये है 2R/3, ये है 2R/3, और ये है 2R/3, करेक्ट? कुछ कुछ ऐसा ही है. नाउ, क्या ये बैलेंस्ड है? क्या यहाँ पर आपको P/Q = R/S दिख रहा है? कैन यू सी इट? यस, क्योंकि देखो ना, ये 2/3/2/3, 1/1, 2/3/2/3, 1/1, 1/1 इक्वल टू 1/1, मतलब ये बैलेंस्ड है. और अगर ये बैलेंस्ड है तो इसका मतलब इस बीच वाले का कोई लॉजिक नहीं है. बस सॉल्व कीजिए. अब ये जो चीज है 2R/3 + 2R/3, दैट इज 4R/3, ये आएगा 4R/3. सिमिलरली इन दोनों का क्या निकल के आएगा? 4R/3. अब क्योंकि ये पैरेलल है तो अब आप 1/R इक्विवेलेंस बोल सकते हो. 1/R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 4R/3 है तो मतलब ये बन जाएगा 3/4R, प्लस ये भी बन जाएगा 3/4R. तो कितना हो जाएगा ये 3/4R 3/4R? 6/4R, 6/4R. सो R इक्विवेलेंस विल बी इक्वल टू 4R/6. 4R/6 मतलब 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो 2/3R. ठीक है, सो द आर इक्विवेलेंस इज 2/3R. दिखने में देखो कितना बड़ा लग रहा था ये फिगर, कितना बड़ा लग रहा था, पर कॉर्नर आपस में जो थे वो सॉल्व हो गए, बाकी बचा हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज निकल के आया, और लकीली ये बैलेंस था, और ये बैलेंस था तो बीच वाले का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो बस आजू बाजू को वालों को हमने ऐड अप कर दिया. ये देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट आर इक्विवेलेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी. पॉइंट ए एंड डी के बीच में आपको आर इक्विवेलेंस निकालना है. सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए. ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट डी है, इनके बीच में आपको आर इक्विवेलेंस निकालना है. अब जानते हो यहां पर इस 10 ओम का कोई मतलब नहीं है, इस 10 ओम का कोई मतलब नहीं है. क्यों? वो इसलिए, मान लो करंट ए से आया, दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, और फिर यहां से डी से निकल जाएगा. ए से निकला और इस वे में फ्लो किया और डी की तरफ चला गया, वो बी की तरफ जाएगा ही नहीं, वो सी की तरफ जाएगा नहीं. ये जो करंट है ना, तो ये बी की तरफ जाएगा ना सी की तरफ जाएगा, इसलिए यहां पर रेजिस्टेंस होने का कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि करंट ने ना तो बी की तरफ जाना है और ना ही सी की तरफ, तो इन दोनों के 10-10 ओम का कोई लॉजिक यहां पर नहीं है. क्यों भाई, क्यों नहीं जाएगा यहां पर करंट? वायर तो है ना, करंट क्यों नहीं जाएगा? देखो, याद रखो इस बात को, करंट तभी फ्लो होता है जब सर्किट क्लोज होता है, करंट तभी फ्लो होता है जब सर्किट क्लोज होता है. अब सामने वाले ने आपको क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द मतलब ए एंड डी के बीच में आर इक्विवेलेंस निकालना है, इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि पक्का यहां पर जो बैटरी है ना वो अटैच्ड इस वे में, बैटरी इस वे में अटैच्ड है, तो करंट यहां से निकलेगा. देखो, करंट यहां से निकलेगा और यहां से निकल के ए के थ्रू फिर ये डी से वापस आ जाएगा, ए के थ्रू से होते हुए डी से वापस आ जाएगा, तो इस वे में वो बनाएगा. अब ये जो बी है और ये सी है, ये तो डेड एंड है. व्हाट आर दिस? दीज आर द डेड एंड. यहां पर कोई सर्किट कंप्लीट हो रहा है क्या? देखो, बी पे जाने के बाद करंट आगे बहेगा? बहेगा ही नहीं आगे. जब वहां पर करंट बहेगा ही नहीं आगे तो करंट वहां जाएगा ही नहीं. करंट को चाहिए क्लोज लूप, करंट को चाहिए क्लोज लूप. क्लोज लूप नहीं होता तो करंट फ्लो नहीं कर पाए. फिर इसीलिए बी के आगे के 10 ओम का कोई मतलब नहीं, यहां पे 10 ओम का कोई मतलब नहीं है. क्लियर है ये? ओके, तो अगर इसके बाद आप नोटिस करो, यू विल रियलाइज कि ये सर्किट कुछ ऐसा बन रहा है, ये यहां से इधर, ये देखिए, ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है. तो यहाँ पर ये एक आया 10 ओम, यहाँ पर दूसरा आया 10 ओम, यहाँ तीसरा आया 10 ओम, और ये चौथा आया 10 ओम. डोंट यू थिंक सो कि ऐसे कुछ कुछ है? ए से करंट निकला, दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर वो दो हिस्से आपस में जुड़ गए और फिर डी की तरफ गए. तो क्या होगा? देखो ज़रा, 10 ओम + 10 ओम कितना? 20 ओम.
10 ओम प्लस 10 ओम कितना है 20 ओम, बाद में 20 और ये 20 आपस में पैरेलल है, तो 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 20 2 बाई 20, 2 बाई 20 का रिवर्स 1 बाई 10, 1 बाई मतलब रिवर्स का मतलब 2 बाई 20 क्या हो जाएगा 1 बाई 10, 1 बाई 10 का क्या बन जाएगा 10। तो इस पूरे का जो नेट इक्विवेलेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10, इस पूरे का जो निकल के आएगा वो आएगा 10 ओम। अब ये देखो बाकी के ये जो आजू बाजू वाले हैं 10 ओम 10 ओम और ये 10 ओम, देखो ये 10, ये 10 और ये 10, क्या ये दोनों तीनों आपस में सीरीज में हैं, इसीलिए द आर इक्विवेलेंस ऑफ द सिस्टम विल बी 30 ओम, द आर इक्विवेलेंस ऑफ द सिस्टम विल बी 30 ओम। तो ये जो क्वेश्चन देने का मतलब क्या था कि दीज टू आर द डेड एंड, यहाँ से करंट नहीं जाएगा, करंट जाएगा तो इसी बीच वाले ट्रैक में से जाएगा, इसलिए इन दोनों का कोई रूल यहाँ पर नहीं है। क्लियर?